फिर कह रहे हैं व्हेन पावर ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जैसा कि ए पे टू है, बी पे वन है, तो ऑर्डर थ्री हो जाएगा, एडअप हो जाएंगे। व्हाट डेट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूफ एटम्स कंटेन न्यूक्लियस? 1911 में आया था और बोर 1913 में। फिर कह रहे हैं कि कंपाउंड की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हो CaCO3, हमारी बुक में भी है इसकी दो एग्जांपल। लीजेंड्स आर लुइस बेस। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो ये बार बार क्लास में गैस पेपर में भी कराया था, क्या होगी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। NaOH कॉस्टिक सोडा होता है। सोडियम मेटल रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। फिर परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है जी? कैल्शियम की वजह से। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर यानी फोटोकेमिकल। विच गैस डिफ्यूज रैपिडली? तो देखो HE का मास 4 है, NH3 का 17, O2 का 32, तो ऑफ कोर्स HE हो जाएगी। विच प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू प्लांट अमोनियम नाइट्रेट। विद द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर Na2SiO3 फार्मूला है वाटर ग्लास का। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है जब रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इक्वल हो। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फोटोन। फिर कन्वर्जन ऑफ एसिडिक एसिड इनटू मीथेन डीकार्बोजाइलेशन। और COOH किसमें होता है जी? कार्बोजिलिक एसिड में। ये MCQ सारे आएंगे। विच विल लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली? तो ऑफकोर्स पोटेशियम, क्योंकि हेलोजन तो लॉस करते ही नहीं इतनी आसानी से। फिर नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 किसकी होती है जी? नाइट्रोजन की। कार्बोजिल एसिड और अल्कोहल क्या गिव करते हैं? ईस्टर एंड वाटर। KC की वैल्यू अगर 10^-6 है तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट बहुत लेस है। ई मल्टीप्लाई बाई डी किसको जाहिर करता है जी? डाइपोल मोमेंट को। यूरिया कौन सा फर्टिलाइज़र है जी? सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2A ऑफ कोर्स +2 होगा। ग्राम लॉ किसका लॉ है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। मिल शुगर का एक नाम क्या होता है जी? लैक्टोस होता है। डैश बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड किस लिहाज से? नॉन डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल होता है जी। नॉन सैचुरेटेड होता है, बिल्कुल होता है जी। नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट, तो आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। CH4 की ये मैंने ट्रिक्स बताई थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं जी? हेलोजन्स में होते हैं। मिक्सचर ऑफ अल्मोनियम नाइट्रेट, अल्मोनियम पाउडर, अमोनल जो मैंने कहा था एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ होता है। फिर फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन CaCO3। सॉलिड लिक्विड गैस ऑल प्रेजेंट एट ट्रिपल पॉइंट जो कि 1/273.16 होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।